अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का वीडियो जो है वो चारकोल और ग्रेफाइट पे है। ये आइडिया मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, मैंने अपने सेलेक्ट कर लिया है पेंसिल क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ डार्क शेड्स चाहिए। लाइट शेड्स मैं इरेजर की मदद से ही लूँगी, मुझे लाइट पेंसिल्स नहीं चाहिए। और इसमें मुझे हार्डनेस भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं 2H पेंसिल का ज़्यादा यूज़ करूँगी। चारकोल पेंसिल जो सॉफ्ट वाला चारकोल है वो यूज़ करूँगी, साथ में जो है 2B, 4B और 8B यूज़ होगा। अब वो पहली चीज़ आई, इसमें सिंपल सा ज़्यादा कुछ नहीं करना, चारकोल लगा के जो उनसे कुछ पार्ट्स में एक शाइन सी आती है इसमें वो वैसे ही छोड़ देने हैं। बाद में उसको इलेक्ट्रिक इरेजर की मदद से मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया था ताकि वो ज़्यादा नुमाया हो सके। जो आई लैश है वो पहले मैंने ग्रेफाइट से ड्रॉ किए थे, उसके बाद मैंने चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ किए थे, उसके बाद में फिर उसे ब्लेंड करके तो एक एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर ले आई थी। फिर जो नोज़ है वो हम लोगों ने 4B और 3B पेंसिल से ही बनानी है। जो नोज़ के अंदर के नोस्ट्रिल्स होते हैं वो हम लोगों ने चारकोल पेंसिल से बनाने हैं क्योंकि वो डार्कर एरिया था। पिक्चर के हिसाब से भी देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, कितना हमें डार्कनेस चाहिए, कितना हमें लाइट चाहिए, कितनी हमें ब्राइटनेस उस पिक्चर में चाहिए। तो इसलिए रेफरेंस जो होते हैं ना काफ़ी आपको हेल्प मिलती है स्केच क्रिएट करने में। दूसरी चीज़ ये है कि पिंटरेस्ट पे बेशुमार आइडियाज़ हैं, आप लोग सर्च करें तो उसमें पता चल जाता है। मेरा ये होता है कि मैं 7-8 स्केच एक साथ निकाल लेती हूँ, वहाँ से बाद में उनका प्रिंट आउट निकाल के रख लेती हूँ, फिर रोज डेली बेस पे जो है ना टाइम निकाल के वीडियो शूट करती रहती हूँ। इसलिए फिर मेरे जो है ना हर बारी में जो है ना एक ही थीम पे चीज़ चल रही थी। इस बार मैंने जो स्केच निकाले थे वो सारे हैं एक फ़ोटो में, 3-3 अलग सिचुएशंस हैं और जो ज़्यादातर उनमें चारकोल और ग्रेफाइट का ही यूज़ हुआ हुआ है। कुछ मैंने पेंसिल की ड्राइंग्स भी निकाली हुई हैं और कुछ मैंने वाटर कलर भी निकाले हुए हैं। तो इस बार मैं मिक्स आर्ट मटेरियल्स यूज़ करूँगी, एक ही को कंटिन्यू नहीं कर रही मैं। दूसरी चीज़ ये है थी कि जो इसके लिप्स हैं वो जो है चारकोल से ड्रॉ करना है, पर सिर्फ आउटर एरिया को ही आपने चारकोल का शेड देना है और उसी को मर्ज करते हुए ब्लेंड करते हुए नीचे तक लेके आना है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक इरेजर से उसमें थोड़े थोड़े से ना शेड्स देने हैं कि पूरा ही ब्लैक नहीं करना है। फिर आइज़ के नीचे का जो पार्ट होता है वो भी हम नॉन 2B पेंसिल से करना था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं थी, लेफ़्ट साइड पे कम थी और राइट साइड पे ज़्यादा डार्क था, तो वो चीज़ भी देखनी है। और इसके फेस पे हाफ क्लॉक का भी आ रहा था शेडो, ऊपर बिल्डिंग्स थी तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये करना है कि थोड़ा सा ना यहाँ पे मेस भी होगा और मर्ज भी करना है, तीनों चीज़ों को बराबर रखना पड़ेगा। जो बालों की शेडिंग है वो मैंने पहले 2B पेंसिल से ड्रॉ कर ली थी कि मुझे कौन सा स्ट्रैंड किस तरफ को चाहिए, उसके बाद मैंने इस पे 8B पेंसिल का यूज़ किया था। कई पार्ट्स पे जो है हल्का हल्का सा चारकोल का शेड भी दिया था, ब्लेंड किया और ये स्ट्रोक्स देने। बालों में इतना ज़्यादा काम नहीं था इस पोर्ट्रेट में क्योंकि बालों के सिर्फ जो नीचे के लेयर्स थे ना सिर्फ वो ही है, ऊपर ऊपर से बाल है ही नहीं, ऊपर से बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएंगी। जो उनसे बारीक बारीक स्ट्रैंड्स से बालों के वो मैकेनिकल पेंसिल से हम करेंगे। इसके बाद बाकी का सारा काम ऊपर वाला जो है वो चारकोल का है, बिल्डिंग के शेड दे के पहले आउटर एरिया, बाद में उसके अंदर ब्लेंड करना है, मर्ज करना है। उसके बाद जो विंडोज़ वगैरह वाला एक हल्का सा टच आता है कि इस पर लाइट आ रही है कि इधर कोई चीज़ है, वो हम लोग इलेक्ट्रिक इरेजर से देंगे। दूसरे इरेजर से भी कर सकते हैं पर चारकोल को इरेज करना बहुत हार्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक इरेजर से ही होगा और उसको बार बार आपको साफ़ करना पड़ता है इलेक्ट्रिक इरेजर को ताकि उसको दोबारा से जो है ना सैंड पेपर पे हल्का सा उसको रगड़ लो
तो वो साफ हो जाते हैं जल्दी से और फिर दोबारा से एक नए सिरे से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ही को करी जाओगे वो सारा पेपर ख़राब कर देगा और उसको इतने फोर्स से नहीं करना आता, नहीं तो पेपर भी फट सकता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये नीचे एक आदमी है जिसका शेडो भी आएगा, नीचे ब्रिक्स वाला फ्लोर है, साइड में दो तीन बिल्डिंग्स हैं। ये इस स्केच में तीन अलग अलग सिचुएशन है और वो तीनों को एक साथ क्रिएट करना था। और फिर उसमें जो है ना यहाँ पे नीचे भी चारकोल का 8B का और जो है 8B और चारकोल और इलेक्ट्रिक रेजर, ये तीन चीज़ें बस यूज़ हुई हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैकग्राउंड में मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया था जो हल्का हल्का सा एक धुएं वाला इफेक्ट दे रहा था, वो जो है मैंने चारकोल पाउडर से ही दिया था।